टाइम 18 न्यूज चैनल अब नाइट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से 1 से 1.5 लाख मजदूर बुरी तरीके से यहाँ रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दर दर भटक रहे हैं और यहाँ बहुत बुरी पोजीशन है। और 13 अप्रैल 1917 के नियम से यहाँ का पूरा व्यवसाय MP विस्थापित हो रहा है, क्योंकि वहाँ रॉयल्टी बहुत सस्ती है, 102 रुपये घन मीटर है, यहाँ 650 रुपये घन मीटर के करीबन है। तो यहाँ कोई भी आदमी व्यापार करने में सक्षम नहीं है और यहाँ की बहुत बुरी व्यवस्था है। यहाँ के व्यापारियों के पास कर्ज देने के लिए कोई 300 करोड़ के आसपास एक एक बैंक का कर्जा है, IBL का खाली, और 2000 करोड़ के आसपास बैंक का कर्जा है। इसलिए इतनी बुरी व्यवस्था है कि यहाँ अगर आदमी नहीं कुछ कर पा रहा है तो ये तो उसकी मौत होगी या फिर वो आत्महत्या कर लेगा। ये जो खनिज नीति बनाई गई है अभी नई, उसमें हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं और उस पर मेन मांग हमारी ये है कि नीलामी जो की गई है वो रॉयल्टी की नीलामी कराई गई है। हम लोगों की मांग है कि रॉयल्टी की नीलामी नहीं होना चाहिए, भला एरिया की नीलामी होना चाहिए। इसी को लेके हम लोग अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं और हम लोग यहाँ का पूरा व्यवसाय जो करीब 400 करोड़ रुपए का था वार्षिक, वो लगभग 90-100 करोड़ रुपए में सिमट गया है। हमारा पूरा व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो चुका है, बंदी के कगार पर बंद होने की स्थिति में है पूरा, इसलिए हम लोगों ने बंद कर दिया है। इसमें करीब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और वो सब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कितने? अब ये करीब 40 साल पुराना व्यवसाय है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ी सी सरकार की जो नीति बनी है उसमें विसंगतियों के कारण आज ये पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में पहुंच चुका है। कब तक आपकी हड़ताल चलेगी? अब हम लोगों का है कि मुख्यमंत्री से हम लोग अभी मिले थे, हम लोग उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय स्वतंत्र देव जी से परसों, और कल भी मिले हैं हमारे साथी। तो जब भी हमारी बात वो पहुंचा देते हैं मुख्यमंत्री तक, हमें कोई अच्छा आश्वासन मिल जाता है तब हम इसको बंद कर देंगे। हमारे यहाँ पे कवरेज में करीब 350 क्रेशर हैं और पहाड़ के पट्टे करीब 400 थे। उसके बाद 2012 के बाद यहाँ पट्टे नहीं हुए, पट्टे सब समाप्त होते गए। आज की तारीख में कुल 72 पट्टे बचे हैं। शासन ने जो खनिज नीति बनाई है वो दोषपूर्ण है, पट्टे हो नहीं पा रहे, और जब तक पट्टे नहीं होते और पहाड़ के पट्टे क्रेशर स्वामियों को नहीं मिलते हैं तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, यहाँ बुंदेलखंड में नदियों का जाल है और नदी पोखर से जो है रिवर सेंड निकलती है, रिवर सेंड सस्ती होने की वजह से यहाँ डस्ट की कोई डिमांड नहीं है। तो डस्ट एक हम लोगों के लिए बहुत भारी समस्या है, वो क्रेशर से उठ नहीं पा रही है, उसको हटा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा महोबा जनपद MP से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे MP में खनिज रॉयल्टी 100 रुपये है। हमारे यहाँ जो है रॉयल्टी जो नीलामी में हुई है वो 700 से 800 तक हुई है। तो जितने में MP में विद रॉयल्टी माल मिल जाता है उतने की हमारे यहाँ रॉयल्टी पड़ती है। तो जब तक ये रॉयल्टी की नीलामी प्रक्रिया नहीं समाप्त होती और पहाड़ों के खंड की नीलामी नहीं होती तब तक इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है बुंदेलखंड में अपने महोबा जनपद में सिर्फ इकलौता उद्योग है जो 1965 से स्थापित है और आज मंडी कृषक कवरी मंडी के हड़ताल होने से हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। हमारे टोल प्लाजा पे कब लगभग 1500 गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जिससे कलेक्शन पे बहुत असर पड़ रहा है। पहले कितनी गाड़ी आती थी? पहले लगभग 3-4 हज़ार गाड़ियाँ आती थी, और आजकल वही लोकल ट्रैफिक ऑटो ट्रैक्टर वगैरह लगभग 2000 गाड़ियाँ लगभग आ रही हैं। अब जब मैंने लोगों से क्रेशर मालिकों से पूछा है, पता किया, तो उन्होंने बताया कि क्रेशर मंडी में हड़ताल चल रही है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए